हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं तस्खीर। रिएक्ट करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर आतिफ असलम का नया ड्रामा आने वाला है। मतलब आतिफ असलम पहली बार ड्रामास में आएंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। टीज़र्स आए हैं दो, संगे माह नाम है उनके ड्रामे का जो कमिंग सून है अभी भी। आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा इसको देखना। संगे माह का मतलब संगे मरमर भी बोलते हैं। संगे मरमर मर का तो मुझे मतलब नहीं पता। संगे माह, संग माह मीन्स महीना होता है उर्दू में, एंड संग का मतलब साथ साथ होता है। एंड आई थिंक इससे बनता है संगे माह, महीने के साथ, या फिर एक महीने साथ रहे हो साथ में। मतलब मैं उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होगा। तो ये तो ड्रामा शुरू होने के बाद पता चलेगा, या फिर आप में से किसी को पता हो इस पूरे वर्ल्ड का मतलब जो टाइटल है ड्रामे का, इसका मतलब आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट वीडियो नाउ। महफिल रंगीन है, महफिल रंगीन है, गाना ना रात के अंधेरे में। एक तरफ रूस है और एक तरफ चीन है, मामला संगीन है। दिन की रोशनी में आया हूँ तुझे गर्दन से पकड़ने। किधर का बच्चा है? बीच में खड़ा हूँ मैं, जिद पे यूं अड़ा हूँ मैं, दोनों से लड़ा हूँ मैं, दोनों से बड़ा हूँ मैं। एक तरफ नाग है और एक तरफ बीन है। There's a method in his madness. मामला संगीन है, मामला संगीन। ड्रामा सीरियल संगे माँ, संगे माँ जल्द आ रहा है। ऑल राइट, तो सही था। मतलब गांव का रहना सहना यही कुछ दिखाता है ये पहला टीज़र। एंड आतिफ असलम हो उसमें, गाना ना हो, मामला संगीन है गाते। मामला संगीन है, एक तरफ सांप है, मतलब क्या कहते हैं सांप को, क्या बोला था इन्होंने, जो भी बोला था, एक तरफ सांप है तो एक तरफ बीन है, मामला संगीन है। बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब गांव का रहना सहना। और दिन में पकड़ने आया हूँ तुझे गर्दन से पकड़ने, दिन में आया हूँ, तो क्या इशारा करता है ये ड्रामा, मतलब ये टीज़र कुछ, क्या इनमें से एक लड़की हानिया आमिर या कुबरा कोई नागिन होंगी, कौन होंगी? मुझे मतलब ऐसा ही कुछ लगा था इसमें, ऐसा कुछ फील हुआ था। हो भी सकता है ऐसा कुछ कुछ नागिन वाला सीन हो इसमें। आतिफ असलम कौन बने हैं, क्या बने हैं, अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा है। मूवी के बाद पहला ड्रामा देख रहा हूँ, आई थिंक पहला ही होगा इनकी ज़िंदगी का। मूवी मैंने एक बोल सुनी थी काफ़ी सालों पहले, जो मायरा के साथ आई थी इनकी, तो उसके गाने वाने भी सुने थे हमने काफ़ी ज़्यादा। सो सेकेंड टीज़र देखते हैं क्या है उसमें। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, नंगे सर इन गलियों में फिरती रहूंगी। ओहो, हिलमंदा जिरगा बुला रहा है अगले जुमे, खुदा ने कयामत के लिए भी जुमे का दिन ही कायम किया है। अपने बाप का बदला लेने के लिए इब्लीस का बाप बनकर सामने ना आया तो आकर मेरे मुंह पे थूक देना। अरे है आतिश की एक्टिंग। ड्रामा सीरियल संगे माँ कमाल है भाई, जल्द आ रहा है। कि दो ही टीज़र्स आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि यार और होते, 8-10 टीज़र्स होते इसके देखने के लिए, तो कुछ और देखने को मिलता। आतिफ असलम की एक्टिंग इसमें देखने को मिली ज़बरदस्त वाली, दूसरी टीज़र में ही देखने को मिली है जो इनकी एक्टिंग है। कि इब्लीस का बच्चा बोला था इन्होंने, कि इब्लीस का बच्चा बन के ना आऊँ या फिर बदला ना लूँ इनसे तो मेरे मुँह पर थूक देना। ज़बरदस्त बदले की जो एक ग्रुप्स होते हैं गांवों में, उस टाइप का मुझे कुछ लग रहा है कि जो दुश्मनी है ख़ानदानी पहले की, दादा परदादाओं वाली, तो वैसा कुछ मुझे इसमें फील हुआ। आतिफ असलम की एक्टिंग मैंने मतलब मूवी मैंने बोल भी नहीं देखी थी शायद, सिर्फ गाने देखे थे, इतना पता था कि मूवी आई है इनकी, लेकिन इसमें इनकी एक्टिंग भी देख ली जो कि ज़बरदस्त है। एंड आतिफ वाकई में यार सीरियसली एक्टिंग सीरियस होकर कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से तो ड्रामा अच्छा होने वाला है, टीज़र्स भी अच्छे हैं। कयामत का दिन भी खुदा ने जुमे का दिन रखा है, तो कयामत इस ड्रामे के अंदर मतलब लड़ाई झगड़े वाली आ चुकी है। मतलब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा रिएक्शन। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।